नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अनुपम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन की एक ही बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला, करंट अफेयर। बहुत सारे एग्ज़ाम जो आगामी होने वाले हैं जून महीनों में, उसमें आपके एलटी ग्रेड, आईएएस के एग्ज़ाम, पीसीएस के एग्ज़ाम और बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम जो एसएससी वगैरह और रेलवे के शामिल हैं, उनमें ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आपका इंदिरा नूई। इंदिरा नूई का नाम सभी ने सुना होगा। इंदिरा नूई को आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक अभी अपॉइंट किया गया है हाल ही में। तो इंदिरा नूई, एग्जाम में अगर पूछा जाता है आईसीसी की वह कौन सी महिला है जिन्हें पहला स्वतंत्र महिला निदेशक बनाया गया है, तो उसका नाम है इंदिरा नूई। अगला देखिए दोस्तों, सिरिल रैमफोसा, ये साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, अभी बने हैं, नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है सिरिल रैमफोसा। अगला देखिए श्रीदेवी। श्रीदेवी जो अभी इनका निधन हुआ है, इनका असली नाम क्या था? श्रीदेवी का असली नाम था श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन, ठीक, ये इनका असली नाम था। अगला देखिए, अगला है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब नाम दिया है अवनी चतुर्वेदी किससे संबंधित है, तो अवनी चतुर्वेदी प्रथम महिला हैं जिन्होंने MiG-21 Bison विमान को उड़ाया है। ये MiG-21 Bison एक लड़ाकू विमान है, तो अभी तक ये लड़ाकू विमान सिर्फ पुरुष ही उड़ाते थे, तो ये अवनी चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश की हैं, ये पहली भारत की महिला बन गई हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान को उड़ाया है। अगला देखते हैं 71वां BAFTA Award जो है किस किस फील्ड में किस किस फिल्म को मिला हुआ है, तो एग्जाम में पूछ सकता है बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, तो बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये 2018 में 71वां BAFTA Award मिला है। अगर ये क्रम पूछे कौन सा है, तो ये आपका 71वां अवार्ड है। इसमें पूछ सकता है आपसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri को। और इसके बाद पूछ सकता है इस फिल्म का सबसे डायरेक्टर कौन है जिसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है गुइलेर्मो डेल टोरो को। इनकी फिल्म का नाम है द शेप ऑफ वाटर, बहुत ही अच्छी फिल्म है शेप ऑफ वाटर, टाइम मिले तो जरूर देखिएगा इसको। अगला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है गैरी ओल्डमैन को। इनकी फिल्म है डार्केस्ट ऑफ वर फिल्म इनकी है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी फिल्म है जिसके लिए गैरी ओल्डमैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो इस फिल्म का नाम है डार्केस्ट आवर। अगला देखिए, अगला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो इसका जवाब होगा फ्रांसिस मैकडोरमंड को। अगला है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, यानी कि एनिमेटेड फिल्म जो होती हैं उनका सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो उसका जवाब होगा कोको, कोको मूवी को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए, तो भारत का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सभी कर्मचारी वुमेन हैं, तो उसका जवाब होगा जयपुर, जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन बन गया है जहाँ पर सभी कार्य करने वाले लोग महिलाएं हैं। अगला देखते हैं, अगला है तवांग। जैसे अभी खबरों में रहा है कि तवांग, तवांग कहाँ पर स्थित है, तो भारत के ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एग्जाम पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगले देखते हैं, अभी ये हाल में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ था, ये पूछ सकता है एग्जाम में कौन से नंबर का था, तो ये 32वां नंबर था इसका। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, और इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम राज्य था उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, अगला है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यह आयोजन हुआ था आपका तेलंगाना में। अगला देखिए, अगला है जनाद्रिया क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है जनाद्रिया क्या है, तो इसका जवाब होगा ये सऊदी अरब का एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो तो सऊदी अरब में होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला ये सूचकांकों पे है, जैसे एग्जाम में पूछते हैं कई सारे सूचकांक, तो जैसे ये है वैश्विक लोकतंत्र का सूचकांक, यानी पूरे विश्व में कई सारे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र है, उसमें भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत का 42वां नंबर है, ठीक। अगला देखिए, ऐसे ही दूसरा एक सूचकांक है
ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें भारत का नंबर है 177, इसका नंबर है भारत का। अगला देखिए, अगला है एग्जाम में पूछ सकता है कुसुम, कुसुम योजना क्या है, ये पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है और कुसुम योजना किससे संबंधित है, ये तीन सवाल पूछ सकता है। तो कुसुम योजना का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये इसका पूरा नाम है। और ये इसका मतलब है पूरी इस योजना में किसानों द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसान जो मित्र हैं हमारे वो लोग सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को यूज़ करें, इस योजना में इसको ध्यान में रखा गया है, इसका नाम है कुसुम योजना। अगला देखिए हाइपर लूप, ये भी बहुत ही चर्चा में रहा है और द हिंदू में इसका एक आर्टिकल भी निकला था हाइपर लूप के बारे में, उसको टाइम मिले तो आप इसको सर्च करके पढ़िएगा। तो हाइपर लूप परिवहन प्रणाली, एक हाइपर लूप एक परिवहन प्रणाली है जिसमें एक लूप की तरह बना दिया जाएगा पूरे एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच में, जिसके बीच से ट्रेनें चलेंगी, तो ये हाइपर लूप प्रणाली है। तो ये हाइपर लूप प्रणाली की जो एक भारत में मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई टू पुणे के बीच में एक समझौता किया है। देखिए महाराष्ट्र सरकार एग्जाम में पूछे भारत का कौन सी प्रदेश है जिसमें हाइपर लूप प्रणाली के बारे में समझौता हुआ है, तो उसका नाम होगा महाराष्ट्र सरकार, वही महाराष्ट्र सरकार में मुंबई टू पुणे में चलेगा ये। अगला देखिए, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो अभी ये 9 से 12 फरवरी के बीच में कुछ देशों की यात्रा पे गए थे, तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से देश थे। तो उनमें से आपका था देश, एक था फलस्तीन, दूसरा था UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, और तीसरा था आपका ओमान। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 12 फरवरी 2018 तक गए थे। तो हम लोग जान लेते हैं कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से समझौते किए, कितने किए हैं। तो फलस्तीन, फलस्तीन की राजधानी हमारी जेरूसलम है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं फलस्तीन के महमूद अब्बास, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 6 समझौते किए हैं। ठीक, अगला है UAE, UAE की जो राजधानी है उसका नाम है अबू धाबी, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी 3 देशों में गए थे तो उनके राष्ट्रपति के नाम पूछ सकते हैं और उनकी साथ साथ राजधानियाँ भी याद करिए, और यहाँ पे इन्होंने 5 समझौते किए हैं। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है हमारा ओमान, ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट, और वहाँ पे सुल्तान है सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, और वहाँ पे इन्होंने समझौते किए हैं, 8 समझौते किए हैं। ठीक, अगला देखते हैं, ये एक बंदरगाह बहुत ही चर्चा में रहा है, डकुम बंदरगाह, एग्जाम में पूछा जा सकता है डकुम बंदरगाह पूरे विश्व में किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ओमान। ठीक, अगला देखते हैं, ये अशगाबाद समझौते में कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है, तो उसका आंसर होगा भारत। ठीक, अशगाबाद समझौता जो है एशिया और फारस की खाड़ी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल परिवहन और पारगमन गलियारे से संबंधित है, यानी कि एक नौवान समझौता है अशगाबाद जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। अगला देखते हैं, अगला है NCDEX, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, यह भारत का प्रथम एग्री कमोडिटी एक्सचेंज बन गया है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पंचेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है, भारत के कौन से राज्य है जहाँ पर ये पंचेश्वर बांध स्थित है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला देखते हैं, सक्षम 2018 क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सक्षम 2018 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में चलने वाला है प्रोग्राम है जिस, और ये एग्जाम में पूछा जाता है सक्षम की पूरी फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होगा आंसर संरक्षण क्षमता और महोत्सव, ये सक्षम 2018 का फुल फॉर्म है। अगला देखिए, अगला एग्जाम में ये पूछा जाता है बड़ मेरी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, ये बड़ मेरी रिफाइनरी आपका है राजस्थान के पचपदरा में। अगला देखिए, अगला है दावोस में जो अभी नरेंद्र मोदी गए थे, तो किस संबंध में गए थे वहाँ पे, तो ये वहाँ पे गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहाँ एक बैठक हो रही थी उसमें भाग लेने गए थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की बैठक थी वो, तो वो 48वें नंबर की बैठक थी, और एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक थी ये कहाँ पर हुई थी, उसका आंसर होगा दावोस। और ये पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड के
कौन से शहर में, तो उसका आंसर होगा जिनेवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है शीतकालीन ओलंपिक 2018, जो भी शीतकालीन ओलंपिक हुए थे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए थे और कब तक हुए थे। ये हुए थे 9 से 25 फरवरी 2018 तक। ये कहाँ पर हुए थे, दक्षिण कोरिया के पियोंगचांग शहर में हुए थे। एग्जाम में पूछा जाता है शीतकालीन ओलंपिक में नंबर वन पे कौन सा देश रहा जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो उसमें सबसे नंबर वन पे रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने कुल 39 पदक जीते हैं जिसमें से 14 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगला जो शीतकालीन ओलंपिक है कहाँ पर होगा और कब होगा, तो अगला शीतकालीन ओलंपिक होगा 2022 में होगा और ये चाइना के बीजिंग शहर में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ICC पुरस्कार 2017। ICC ने कुछ पुरस्कार बांटे हुए हैं, तो उनको जान लेते हैं कौन कौन खिलाड़ी इसको प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो सबसे पहला बेस्ट क्रिकेटर सर गारफोल्ड सॉगर्स ट्रॉफी किसको दिया गया है, तो ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को मिला है। अगला है बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड ICC ने किसको दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला है बेस्ट वनडे प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को सर गारफोल्ड सॉगर्स ट्रॉफी भी मिली है और वनडे प्लेयर ऑफ द क्रिकेट का भी अवार्ड इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट वुमेन वनडे ऑफ द प्लेयर किसको मिला है, तो इसका आंसर होगा एमी सैटर्थवेट। ये कहाँ की है, ये न्यूजीलैंड की है। अगला है बेस्ट उभरता हुआ क्रिकेटर, यानी कि विश्व में सबसे उभरता हुआ प्लेयर कौन सा है, इसका आंसर होगा पाकिस्तान के हसन अली। अगला है, ये तो पुरुष हो गए और वुमेन की बात करें तो वो कौन होगा, उसका नाम होगा एलिस पेरे, ये है ऑस्ट्रेलिया की। अगला है स्प्रिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है अन्ना स्वरूप बूड सोल को, ये है इंग्लैंड की। आगे देखते हैं, अभी भारत ने अंडर 19 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भारत ने किस देश को हरा के जीता है, तो भारत ने ये जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पराजित किया था और भारत अब तक ये 4 बार ये ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है। और ये ICC अंडर 19 क्रिकेट हुआ था न्यूजीलैंड में, और इसी न्यूजीलैंड में जो ICC का अंडर 19 क्रिकेट हुआ था, इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, इसके बारे में पूछ सकता है, तो इसमें आपका ये होगा आंसर मैन ऑफ द मैच का मनजोत कालरा, ये कहाँ के हैं, भारत के हैं। अगला है प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, ये भी भारत के मिले थे, शुभमन गिल को मिला है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है रणजी टूर्नामेंट 2017, ये किस ने जीता है और किसको हरा के जीता है, ये पूछा जा सकता है। ये जीता है विदर्भ ने, किसको हरा के जीता है, दिल्ली को। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि विदर्भ है, ये पहली बार रणजी टूर्नामेंट को इसने जीता है। ठीक, अगला देखिए, अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसने आधार जो शब्द है हमारे देश में बहुत चल रहा है आजकल आधार, उसको हिंदी शब्द चुना है साल का। ठीक, जैसे एग्जाम पूछा जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को हिंदी शब्द चुना है साल का, तो उसका आंसर होगा आधार। अगला देखिए, अगला है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 किसने किसको हराकर जीता है, तो उसका आंसर होगा भारत। भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 को जीत लिया है। अगला है बैडमिंटन प्रीमियर लीग, ये किसने जीता है, ये हैदराबाद हंटर्स ने जीता है बंगलोर ब्लास्टर्स को हराकर। अगला है टेनिस में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉफमैन कप किससे संबंधित है, तो हॉफमैन कप संबंधित है आपका टेनिस से, और ये पूछा जाता है किसने जीता, तो इसको जीता है स्विट्जरलैंड ने। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017, तो अभी ये वन स्थिति रिपोर्ट आई है, भारत सरकार ने जारी की है। एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन से नंबर की है, तो ये 15वें नंबर की है। ठीक, और ये पूछा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है, तो ये भारत सरकार की तरफ से ISFR की संस्था है, इसने इसको रिपोर्ट को तैयार किया है। इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक, ये जो रिपोर्ट होती है हर 2 साल में जारी होती है। इस बार ये महत्वपूर्ण वाली बात है, इस बार रिसोर्स सेट 2 का यूज़ किया गया है इस भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करने में। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रणाली है
इसको सबसे पहले भारत ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में यूज किया है, तो उसका नाम होगा रिसोर्सेट 2। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि हर 2 साल में ये वन स्थिति रिपोर्ट होती है, तो इस बार 2015 के मुकाबले में 1% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो 1% बढ़ोतरी जो है 2015 मुकाबले में ये 8,021 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है, रिपोर्ट के अनुसार सघन वन इसमें बढ़ी है, यानी कि सघन वनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, और मैंग्रोव वनों में भी 2015 के मुकाबले में 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र है ये इतना, ये आप परसेंटेज याद रखिए, उतना वो नहीं आएगा किलोमीटर, परसेंटेज कितना है 24.39। आगे देखिए, आगे है, सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य, यानी कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में वन पाए जाते हैं। तो सबसे वन है लक्षद्वीप, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अंडमान निकोबार। चाहे तो आप इसका परसेंटेज याद कर सकते हैं, चाहे आप नाम याद कर लिए काम चल जाएगा, उसको ऐसे ट्रिक से थोड़ा याद कर लीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी से मतलब लक्षद्वीप हो गया, मी से मिजोरम हो गया, और आ से अंडमान निकोबार हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य किलोमीटर के हिसाब से, ये किलोमीटर के हिसाब से था और ये था आपके प्रतिशत के हिसाब से। ठीक, यानी कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़। इसको भी शॉर्ट से थोड़ा याद करिए, जैसे ये लिखा मछली, मा से आपका हो गया मध्य प्रदेश, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और ली से कुछ नहीं, ये बनाने के लिए आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक, आगे देखिए, आगे है वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी कि 2015 के मुकाबले में कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला नाम है उसका आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, और तीसरा है आपका केरल। तो ये आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा दोबारा, अब वीडियो को आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, और इस मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं इसी तरह आपके लिए करंट अफेयर लेता रहूँगा। अभी ये पार्ट 1 है, अभी आने वाले टाइम में पार्ट 2, पार्ट 3 काफ़ी कुछ आएगा। हाँ, तो आगे देखते हैं। कावेरी जल विवाद, ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है, कावेरी जल विवाद। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कावेरी जल विवाद का जो झगड़ा है किन किन प्रदेशों के बीच में है, तो ये झगड़ा ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के बीच में है। तो कर्नाटक में अभी देखा होगा आपने, हाल ही में इलेक्शन भी हुए हैं, तो तमिलनाडु को इसमें नुकसान हुआ है, तमिलनाडु को इसमें पानी की मात्रा कम मिलेगी और कर्नाटका को इसमें पानी अधिक मिलेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कावेरी जो है नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटका के कुर्ग, एक जगह है वहाँ पे कर्नाटक में कुर्ग, वहाँ से निकलती है, और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन ऐसे जनरल नॉलेज के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी इंडिया में जल विवाद होते हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 में जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद के बारे में वर्णन दिया हुआ है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, इसमें कौन सा अभी नया देश शामिल हुआ है, और वो जो नया देश शामिल हुआ है उसका नाम क्या है और उसका क्रमांक क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत शामिल हुआ है, ये हो गया क्वेश्चन। तो दूसरा हो गया 43वां नंबर है भारत का जो इसमें नया सदस्य शामिल हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपका रासायनिक एवं जैविक हथियारों से जो देश इनका यूज करते हैं किसी दूसरे देश को क्षति पहुंचाने में, उनके निर्माण पर नियंत्रण लगा रखता है ये। ठीक, जैसे एग्जाम में पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, किससे संबंधित है, तो उसका आंसर होगा रासायनिक एवं जैविक हथियार के निर्माण पर जो संस्था नियंत्रण रखती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। आगे चलते हैं। ओम प्रकाश रावत, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओम प्रकाश रावत कौन है। ओम प्रकाश रावत अभी भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं, तो इनकी नियुक्ति रहेगी 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले इनकी, अगर 6 वर्ष से पहले अगर 65 साल के हो जाते हैं तो उनका कार्यकाल उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। अगला है अशोक लवासा, अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया क्योंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, क्योंकि पहले ओम प्रकाश रावत भी चुनाव आयुक्त थे, अब ये बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनकी जगह खाली हो गई, तो
उनकी जगह पर आ गए हैं अशोक लवासा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, तो नए विदेश सचिव बने हैं आपके विजय केशव गोखले। इन्होंने स्थान लिया है एस जयशंकर जी का। एस जयशंकर इसे पूर्व थे, एग्जामी कभी पूछ सकता है पूरा नाम दे देता है, ऐसे दे देता है एस जयशंकर को हटाकर कौन भारत का नया विदेश सचिव बना, तो आंसर होगा विजय केशव गोखले, या फिर ऐसे दे सकता है विजय केशव गोखले से पहले भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो उनका नाम होगा एस जयशंकर। ठीक, इसी प्रकार अगला है भारत के जो नए इसरो के प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर के सिवन। इनसे पूर्व कौन था, एएस किरण कुमार जो इसरो के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, अगला देखिए। अगला है आनंदी बेन पटेल, एग्जाम पूछा जाता है आनंदी बेन पटेल को अभी हाल में किस प्रदेश का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये अभी आनंदी बेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रोनाल्डिनो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोनाल्डिनो किस देश से संबंधित हैं और ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो रोनाल्डिनो आपके ब्राजील से संबंधित हैं और ये फुटबॉल का खेल खेलते हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर ली है कि अब फुटबॉल से अलविदा ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। ठीक, अगला देखते हैं पद्म पुरस्कार 2018, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पद्म पुरस्कार किस किस को मिला है, वो आप पढ़ सकते हैं मैगजीन से या मैं फिर उसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको कुछ टाइम बाद। तो पद्म पुरस्कार 2018 में तो सबसे पहला ये क्रम दिया हुआ है, ये पूरा सीरीज दिया हुआ है, सबसे नंबर वन पे कौन है पद्म पुरस्कारों में, पद्म विभूषण नंबर वन पे है, नंबर टू पे है पद्म भूषण और नंबर थ्री पे है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला है 3 व्यक्तियों को, पद्म भूषण मिला है 9 व्यक्तियों को और पद्मश्री मिला है 73 लोगों को। एग्जाम में कभी पूछ देता है कि पद्म भूषण जिन व्यक्तियों को मिला है उनकी संख्या क्या है, तो उनकी संख्या है आपकी 9 संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन है 63वां फिल्म फेयर अवार्ड 2018, ये जो अभी दिया गया है तो किस फिल्म को दिया गया है, तो इसका आंसर होगा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम फिल्म को 63वां फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये फिल्म देखी होगी आपने, नहीं देखी तो देखिएगा, अच्छी फिल्म है ये। अगला है 2019 को आसियान देश और भारत में भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है BBIN का फुल फॉर्म क्या, एग्जाम में पूछा जाता है BBIN में फुल फॉर्म क्या, इस फॉर्म में पूछा जाता है या पूछ सकता है BBIN में कौन कौन से देश शामिल हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो बी से हो गया भूटान और दूसरे बी से हो गया बांग्लादेश, तीसरे आई से हो गया इंडिया, एन से हो गया नेपाल। तो इन तीनों इन चारों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है मोटर वाहन का, तो सारे देशों ने अपने अपने कंट्री के पहले नाम से इसका नाम रख लिया है, इसका नाम हो गया BBIN। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एंटीबायोटिक दवा का खोज की गई है जिसका नाम है मेलासिडिन, एग्जाम में पूछा जा सकता है मेलासिडिन क्या है, तो इसका आंसर होगा ये है एंटीबायोटिक दवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व सतत विकास सम्मेलन, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका थीम क्या था, इसका थीम था पर्यटन फॉर आर रीजनल प्लैनेट। कभी कभी थीम पूछने लगा है जब परीक्षा को कठिन करने लगा है एग्जाम में, तो थीम पूछ लेता है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया नई दिल्ली में जो विश्व सतत विकास सम्मेलन हुआ उसका थीम क्या था, तो थीम था उसका पार्टनरशिप फॉर आर रीजनल प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सहायम, तो एग्जाम पूछ सकता है कि ऑपरेशन सहायम क्या है, किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन सहायम एक अभी चक्रवात आया था चक्रवात ओखी, तो चक्रवात ओखी से बहुत सारा जान माल की हानि हुई थी, तो इसमें भारतीय नौसेना का ये बचाव अभियान था, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सहायम क्या है, तो ऑपरेशन सहायम भारतीय नौसेना का बचाव अभियान है और ये चक्रवात ओखी जो आया था उसका नाम किसने दिया, तो चक्रवात ओखी का नाम दिया है बांग्लादेश ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018, ये जो टेनिस का गेम होता है उसमें वर्ष में सबसे पहला जो ओपन होता है उसका नाम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पूछ सकता है कि पुरुष एकल का अवार्ड किसने जीता, तो पुरुष एकल का अवार्ड जीता है रोजर फेडरर ने,
ये पूछ सकता है रोजर फेडरर किस देश के हैं, तो वो है स्विट्जरलैंड के। रोजर फेडरर का ये 20वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। और अगला पूछ सकता है महिला एकल का अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता है कैरोलिन वुज यकीन है। ये कहाँ की हैं, ये डेनमार्क की हैं, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। ये देखिए खास बात है कि इसमें रोजर फेडरर का ये 20वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड है ये, और कैरोलिन का ये पहला ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। तो इस पार्ट वन के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे के करंट अफेयर के लेक्चर आप कुछ टाइम बाद प्रोवाइड हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख पाएँ। नमस्कार दोस्तों।